तो यार यहाँ पे ना OSPF में फाइव टाइप के मैसेजेस हैं। एक होता है यहाँ पे टाइप वन मैसेज, जिसको हम लोग हेलो मैसेज भी बोलते हैं। एक होता है यहाँ पे टाइप टू, जिसको हम लोग DBD मैसेज बोलते हैं, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। एक टाइप थ्री मैसेज है हमारे पास में यहाँ पे, जिसको हम लोग LSR बोलते हैं, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। एक यहाँ पे टाइप फोर मैसेज है, जिसको हम लोग LSU बोलते हैं, लिंक स्टेट अपडेट मैसेज। एक यहाँ पे टाइप फाइव मैसेज है, जिसको हम लोग LSAC बोलते हैं, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ये फाइव टाइप के मैसेजेस हैं OSPF में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलो मैसेज के बारे में। हेलो मैसेज क्या है, कैसे काम करता है, लिख लिए ना ये। ओके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हेलो मैसेज के बारे में। हेलो मैसेज क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या यूज है हेलो मैसेज का। टाइप वन मैसेज बोल दो, हेलो मैसेज बोल दो, बात एक ही है। अरे EIGRP याद है आप लोगों को, EIGRP में हम लोगों ने एक ऑप कोड देखा था, पता है सामने वाला राउटर कैसे आइडेंटिफाई करता था जो मैसेज आ रहा है वो हेलो मैसेज है, अपडेट है, क्वेरी है, रिप्लाई है, कौन सा मैसेज है, कैसे पता चलता था? ऑप कोड से पता चलता था ना, ऑप कोड 5 लग के जा रहा है तो हेलो मैसेज है ना, ऐसा कुछ था ना वहां पे। वैसे ही OSPF में गया, OSPF में टाइप फील्ड है, जो हेलो मैसेज आएगा उसमें टाइप फील्ड क्या लग के जाएगी, 1। तो सामने वाला राउटर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा, हाँ भाई हेलो मैसेज आ रहा है। एक कोई मैसेज आ रहा है जिसमें टाइप फील्ड कौन सी लग के जा रही है, 2। सामने वाला राउटर आइडेंटिफाई कर लेगा मैसेज कौन सा है, DBD है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये मैसेज आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रही है टाइप फील्ड, क्लियर। हेलो मैसेज किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्कवर नेबर। नेबर डिस्कवर करने के लिए यूज होता है, और आप बोल सकते हो इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश नेबरशिप। ठीक है,
और हेलो मैसेज का क्या यूज होता है? कीप अलाइव का। जैसे EIGRP में यूज था हेलो मैसेज का, सेम यूज OSPF में। और हेलो मैसेज आपका पीरियोडिकली जाएगा आफ्टर एवरी आफ्टर एवरी 10 सेकेंड। या फिर आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। नॉर्मली तुम लोग देखते हो कि हेलो मैसेज का जो पीरियोडिक टाइमर जो होता है वो 10 सेकंड का होता है बाय डिफॉल्ट। ऐसा जरूरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट कुछ केसेस बनेंगे आपके जिन केसेस में हो सकता है हेलो मैसेज आपका आफ्टर एवरी 30 सेकंड जा रहा हो बाय डिफॉल्ट, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कब 10। नॉर्मली तुम 10 सेकंड ही देखोगे, 30 सेकंड कब होगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका जो डेड टाइमर होता है हेलो मैसेज का कितना होता है? डेड टाइमर जो होता है वो हेलो का 4 टाइम होता है, तो वो 40 सेकंड हो सकता है। अगर 30 सेकंड हेलो है तो डेड कितना हो जाएगा? 120 सेकंड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, डेड टाइमर का मतलब पता है ना? हाँ, अगर एक राउटर को हेलो मैसेज रिसीव नहीं हुआ टिल 40 सेकंड या 120 सेकंड, राउटर क्या कर देगा? अपने नेबरशिप ब्रेक कर देगा, नेबर टेबल से उस नेबर को हटा देगा। ओके, और जो हेलो मैसेज आता है वो कैसे जाता है? मल्टीकास्ट। और कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है? वो 224.0.0.5 एड्रेस। मल्टीकास्ट भी जा सकता है, यूनिकास्ट भी जा सकता है। मल्टीकास्ट कब जाएगा? नॉर्मली मल्टीकास्ट जा रहा होगा और जब तुम लोग स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवाओगे उस केस में यूनिकास्ट जाएगा। ठीक है, जिस केस में आप लोग स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवाओगे जैसे EIGRP में फॉर्म करवाई थी उस केस में यूनिकास्ट, अदरवाइज हेलो मैसेज कैसे जाएगा? मल्टीकास्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो डिस्कस कर लेते हैं हेलो मैसेज के बारे में, हेलो मैसेज कैसे काम करता है। R1 है हमारे पास में यहाँ पे एंड R2, ये दो राउटर अटैच्ड है, इन दोनों पे हमने OSPF इनेबल कर दिया। IP is 12.1.1.1 12.1.1.2। इन दोनों इंटरफेसेस को हमने OSPF में क्या करवा रखा है? एडवर्टाइज। दोनों राउटर एक दूसरे को क्या भेजेंगे? हेलो। R1 क्या करेगा? R1 पे एक OSPF प्रोटोकॉल काम कर रहा है, ये अपना एक हेलो मैसेज इनकैप्सुलेट करेगा और इस हेलो मैसेज में टाइप फील्ड क्या लगा देगा? 1। और ये लेयर 3 पे हैंडओवर कर देगा किसको? IP प्रोटोकॉल को। IP प्रोटोकॉल को यहां पे क्या रिसीव हुआ? हेलो मैसेज OSPF का एक मैसेज। और IP प्रोटोकॉल यहां पे क्या अटैच करेगा? अपना IP हेडर। सोर्स IP विल बी 12.1 एंड डेस्टिनेशन IP विल बी 224.0.0.5 एंड एक प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर अटैच कर देगा। कितना? ये पेलोड किसने दिया? OSPF ने, तो OSPF का प्रोटोकॉल नंबर। और ये इसको हैंडओवर कर देगा लेयर 2 पे किसको? SDLC प्रोटोकॉल को। SDLC प्रोटोकॉल को यहाँ पे क्या रिसीव होगा? एक ये पैकेट, और ये इस पैकेट के साथ में अपना एक SDLC का हेडर क्या कर देगा? अटैच कर देगा। और इस SDLC हेडर में एक टाइप फील्ड भी ऐड कर देगा 0x0800। ये पेलोड किसने दिया? IPv4 ने, तो IPv4 का टाइप कोड है। ये एक फ्रेम इनकैप्सुलेट हो जाएगा और ये फ्रेम आएगा किसके पास में? R2 के पास। जैसे R2 के पास में इस इंटरफेस पे ये फ्रेम रिसीव होगा, R2 क्या करेगा? पहले इस SDLC हेडर को क्या करेगा? रिमूव करेगा, ओपन करेगा, और वो ये देखेगा। हाँ, रिमूव करने के बाद में देखेगा ये जो पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है। टाइप फील्ड से पता चल जाएगा किसको हैंडओवर करना है, IPv4 को। ये IPv4 को हैंडओवर कर देगा पैकेट। अब यहां पे IPv4 प्रोटोकॉल को ये पैकेट मिलेगा, वो क्या करेगा? अपना IP हेडर क्या करेगा? रिमूव करेगा। IPv4 हेडर क्या करेगा? रिमूव।
और वो ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या 224.0.0.5 है, तो इसने भी उस मल्टीकास्ट ग्रुप को क्या कर रखा होगा, ज्वाइन। तो ये क्या कर लेगा, उसको लेयर 3 पे एक्सेप्ट कर लेगा, और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंड ओवर करना है, प्रोटोकॉल फील्ड से पता चल जाएगा, ओएसपीएफ को हैंड ओवर करना है। अब ओएसपीएफ को हैंड ओवर करेगा ये पेलोड, ओएसपीएफ इस मैसेज को ओपन करेगा, R2 जो है, R2 पे ओएसपीएफ जो है वो इस मैसेज को ओपन करेगा। टाइप फील्ड क्या लगेगी, मिलेगी उसको 1, मतलब कौन सा मैसेज आया, ये हेलो मैसेज आया, और हेलो मैसेज में कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है अपनी, कुछ नेबरशिप पैरामीटर्स होते हैं वो सारे शेयर होते हैं, और ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर सामने वाले राउटर को क्या कर लेगा, अपना वो पैरामीटर मैच होते ही उसको क्या बना लेगा, नेबर बना लेगा, और नेबर टेबल में क्या रखेगा, मेरा एक नेबर है कौन, 12.1.1.1, और ये इस नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, 40 सेकंड के लिए। ऐसे ही ये राउटर भी क्या करेगा, अपना एक हेलो मैसेज भेजेगा, और ये राउटर भी अपने पास में क्या रखेगा, एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा, जिसमें नेबर कौन है 12.1.1.2, और इस नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखने वाला है, 40 सेकंड के लिए, ये भी अपनी नेबर टेबल मेंटेन करेगा। और ये राउटर्स क्या करते रहेंगे, जैसे ही अभी 30 सेकंड रिमेनिंग बचेंगे, टाइम क्या होता रहेगा, डिक्रीमेंट, जैसे ही 30 सेकंड रिमेनिंग बचेंगे, इतने में दोनों राउटर एक दूसरे को फिर से क्या शेयर करेंगे, अपना हेलो मैसेज, टाइमर वापस से रीसेट हो जाएगा, किस पे चला जाएगा, 40 सेकंड पे। अगर ये राउटर टिल 40 सेकंड को ही हेलो मैसेज रिसीव नहीं करता, तो इस नेबरशिप को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो यहां पे हेलो मैसेज किस चीज का काम कर रहा है, साथ में कीप अलाइव का, ये आफ्टर एवरी 10 सेकंड इसको एक हेलो मैसेज भेज के क्या बता रहा है, मैं अभी भी अलाइव हूं। समझ में आ रही है ना बात, क्लियर है ये चीज। अब बात करेंगे, दो राउटर जब एक दूसरे को हेलो मैसेज शेयर करते हैं, उस हेलो मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, क्या क्या कंटेंट जाते हैं हेलो मैसेज में, उसके बारे में बात करेंगे। हेलो मैसेज का यूज तो पता ही चल गया, वैसे ही है जैसे EIGRP का था। तो हेडिंग डालो कंटेंट ऑफ हेलो मैसेज, तो हेलो मैसेज में क्या क्या कंटेंट्स जा रहे होते हैं, चलो वो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक काम करूंगा, पहले दो राउटर्स के ऊपर ओएसपीएफ इनेबल करने जा रहा हूं, R1 एंड R2। तो पहले R1 पर चलते हैं, IP एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस इज 12.1.1.1, नो शटडाउन, R2 पे आ जाओ, IP एड्रेस हो गया कॉन्फ़िगर, OSPF इनेबल करने जा रहा हूं मैं R1 पे, और उससे पहले मैं इस लिंक को कैप्चर भी कर लेता हूं साथ में, ठीक है। कैसे इनेबल करोगे, राउटर OSPF, उसके बाद में यहां पे आप बताओगे प्रोसेस ID, ठीक है। EIGRP में क्या होता था, AS नंबर, दो राउटर्स पे AS नंबर क्या होना चाहिए था, यहां पे क्या है, प्रोसेस आईडी, दो राउटर्स पे प्रोसेस आईडी डिफरेंट हो सकते हैं, ये लोकली सिग्निफिकेंट होती है तुम्हारी, दो राउटर पे प्रोसेस आईडी डिफरेंट हो सकती है, कोई भी रख सकते हो, ठीक है।
प्रोसेस आईडी का क्या यूज है, आने वाले टाइम में तुम लोग सीसीआई में वीआरएफ फड़ोगे तब इसका यूज आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो कि प्रोसेस आईडी आपकी लोकली सिग्निफिकेंट है, दो राउटर पे प्रोसेस आईडी डिफरेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं प्रोसेस आईडी कोई भी यूज करूंगा 100। तो अभी क्या इस राउटर ने इस लिंक से ओएसपीएफ इनेबल हो चुका है। इस पे क्या देखा ओएसपीएफ इनेबल कैसे चेक करोगे, इनेबल कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, क्या कमांड चलेगी, शो आईपी प्रोटोकॉल। और शो आईपी प्रोटोकॉल में आपको यहां पे क्या बता रहा है, प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, ये जो दो लाइन है वो फिल्टरिंग के लिए है। राउटर आईडी दिखा रहा है, बात करेंगे राउटर आईडी के बारे में, राउटर आईडी क्या है, एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे, एरियाज क्या है, मैक्सिमम पाथ कितने दिखा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 4 है। किसी राउटर किसी प्रीफिक्स के लिए हमने राउटिंग परफॉर्म नहीं करी अभी तक। रेफरेंस बैंडविड्थ मैंने बताई थी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 100, और एडी वैल्यू कितनी है 110। क्या इस राउटर ने हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया होगा, क्यों नहीं किया होगा अभी तक हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट। अरे आर टू से क्या मतलब है, ये राउटर ने हेलो मैसेज क्यों नहीं भेजना स्टार्ट किया, आप ये बोलो कि इस लिंक को अभी तक हमने ओएसपीएफ में एडवर्टाइज नहीं करवाया, तो इस लिंक से कोई हेलो मैसेज नहीं जा रहा होगा जब तक इस लिंक को आप ओएसपीएफ में एडवर्टाइज नहीं करवा देते। तो ओएसपीएफ में इस लिंक को कैसे एडवर्टाइज करवाएंगे वो बात कर लेते हैं। दो मेथड है यहाँ पे, ईआईजीआरपी में एक ही मेथड था नेटवर्क कमांड, यहाँ पे दो मेथड है, एक तो राउटर ओएसपीएफ 100 में चलो आप नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवा सकते हो। पहले नेटवर्क कमांड से बता देता हूँ कैसे एडवर्टाइज करवाएंगे। हाँ जी सर, तुम लोग कैसे एडवर्टाइज करवाएंगे नेटवर्क, देन आप क्या बताओगे, मैं बता देता हूँ लाइक 12.1.1.1 और आगे क्या बताओगे इसके, वाइल्ड कार्ड मास्क। इस वाइल्ड कार्ड मास्क का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ 12.1.1.0, तो वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने बता दिया 0.0.0.255, इससे क्या मतलब हुआ, जहां पे 000 है इसको मैच करेगा, जहां पे 255 है जो बिट्स ऑन है उसको क्या करेगा इग्नोर, जो बिट्स ऑफ है उसको मैच करेगा, जो बिट्स ऑन है उसको क्या करेगा इग्नोर करेगा। मतलब जिस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर है 12.1.1 है फर्स्ट 3 ऑक्टेट में, वो इंटरफेस ओएसपीएफ में क्या हो जाएगा एडवर्टाइज। मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता था ना 12.1.1.0.0.0.0, इससे क्या होगा ये सारे ऑक्टेट मैच करेगा, ये जिस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर है 12.1.1.1 है वो इंटरफेस ओएसपीएफ में क्या हो जाएगा एडवर्टाइज। सिंगल आईपी नहीं, इंटरफेस जिस इंटरफेस पे ये आईपी एड्रेस है 4 ऑक्टेट में ये वैल्यूज हैं वो इंटरफेस ओएसपीएफ में क्या हो जाएगा एडवर्टाइज हो जाएगा। हाँ, ये नेबर को जब शेयर करेगा ना तो क्या शेयर करेगा, एलएसए, एलएसए में ये वाला लिंक ओएसपीएफ में एडवर्टाइज है, तो इस वाले लिंक पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो वाला शेयर करेगा। नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है इस पे 12.1.1.0/24, तो मैंने इस कमांड से नेटवर्क नहीं एडवर्टाइज करवाया, इस कमांड से मैंने क्या ओएसपीएफ में क्या एडवर्टाइज करवाया, ये लिंक एडवर्टाइज करवाया है, और इस लिंक पे जो नेटवर्क यूज हो रहा होगा वो शेयर करेगा अपने नेबर को। बात आ रही है समझ में, क्लियर है इतनी चीज। आगे इसमें आपको बताना पड़ेगा एक एरिया आईडी, एरिया नंबर, एरिया नंबर कोई भी चलेगा, मैं अभी फिलहाल मैं 0 यूज कर रहा हूं, बात करेंगे थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा आप लोगों को एरिया का, है ना। मैं जैसे यहां पे एंटर प्रेस करता हूं ये राउटर हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा इस लिंक से, क्योंकि ये वाला जो लिंक है वो ओएसपीएफ में क्या हो चुका है एडवर्टाइज। ये देखो ओएसपीएफ ने अपना एक हेलो मैसेज भेजना क्या कर दिया स्टार्ट। तो एक तो ये मेथड है हमारे पास में कि मैं नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवा दूं इंटरफेस को, मैं इस कमांड को हटा रहा हूं, मैंने नहीं एडवर्टाइज करवाना ऐसे। एक और मेथड है हमारे पास में, कौन सा, उस इंटरफेस पे चलो जिसको एडवर्टाइज करवाना है। आईपी ओएसपीएफ कौन सा प्रोसेस है, कौन से एरिया में रखना है, ये भी बोल सकते हो। दो मेथड है आपके पास में, इंटरफेस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो इंडिविजुअली एक एक इंटरफेस पे जाके आप ओएसपीएफ में उनको एडवर्टाइज करवा सकते हो, या फिर आप
OSPF में डायरेक्टली नेटवर्क कमांड से कोई भी आप इंटरफेस एडवर्टाइज करवा सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख लो अभी भी इस लिंक से हेलो मैसेज भेजने लग जाएगा ये वापस से, ये देखना, क्लियर, आगे बात समझ में। और ना मैंने एक और चीज बताई थी, जैसे आप कोई इंटरफेस को OSPF में एडवर्टाइज करवाते हो ना, शो आईपी OSPF, शो आईपी इंटरफेस सीरियल 1/0, ये उस मल्टीकास्ट ग्रुप को क्या कर लेता है, 224.0.0.5 एड्रेस को ज्वाइन कर लेता है, इसने उसको ज्वाइन कर लिया। अब इस राउटर के पास में जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे, 224.0.0.5 एड्रेस पे, उसको लिसन करना स्टार्ट कर लेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, वो डिस्कार्ड नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में। और ये उस मल्टीकास्ट ग्रुप को कब ज्वाइन करेगा, जब ये इंटरफेस आपका OSPF में क्या होगा, एडवर्टाइज होगा। क्लियर है ना ये चीज। ओके तो अब हम लोग बात कर रहे थे कंटेंट ऑफ हेलो मैसेज के बारे में, हेलो मैसेज में क्या क्या कंटेंट ऐड होके जाएंगे वो बात कर लेते हैं। तो देखते हैं यहां पे, ये देखो OSPF ने अपना एक हेलो मैसेज जनरेट किया, लेयर 3 पे हैंड ओवर किया, ये प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर क्या अटैच कर दिया, सोर्स आईपी अपना डेस्टिनेशन आईपी .5, और लेयर 2 पे किसको हैंड ओवर किया, SDLC को। SDLC ने एक यूनिकास्ट फील्ड ऐड करी और एक आईपी प्रोटोकॉल नंबर ऐड, प्रोटोकॉल टाइप एक ऐड कर दी वहां पे, टाइप फील्ड 0x0800 IPv4 की। तो जो हेलो मैसेज है ये आपका हेलो मैसेज, ये देखो ये दिखा रहा है OSPF हेडर, ये क्या है OSPF हेडर, जो आपके OSPF के जितने भी मैसेजेस हैं 5 मैसेजेस, हर एक मैसेज में OSPF का हेडर तो लग के जाएगा ही जाएगा, और उस हेडर में आपको ये इंफॉर्मेशन सेम मिलेगी हर एक LSA, हर एक OSPF के मैसेज में, जितने मैसेज आ रहे हैं हर एक मैसेज के साथ में OSPF का एक हेडर अटैच होके जाएगा और उस हेडर में ये इंफॉर्मेशन रहेगी। अब R1 अगर कोई DBD भेजता है, LSR भेजता है, LSU भेजता है, LSAG भेजता है, तो उन सभी मैसेज के साथ में ये LSA हेडर, सॉरी ये OSPF का हेडर अटैच होके जाएगा ही जाएगा और उसमें ये इंफॉर्मेशन रहेगी सेम। और यहां पे वो हेलो मैसेज की फील्ड है, हेलो मैसेज में ये इंफॉर्मेशन जा रही है। तो इस पूरे कंप्लीट मैसेज में देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन जा रही है। एक तो OSPF का वर्जन जा रहा है, OSPF वर्जन क्या है, कौन सा दिखा रहे हैं, 2। जब आप IPv4 पे OSPF इनेबल कर रहे हो OSPF वर्जन 2 दिखाएगा, जो लेगेसी IIS थे आपके पुराने उस टाइम आपको OSPF का वर्जन क्या दिखाता था, 1 दिखाता था, ठीक है। OSPF वर्जन 3 भी यूज कर सकते हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी जब हम लोग IPv6 डिस्कस करेंगे। और ये देखो मैसेज टाइप में टाइप फील्ड क्या अटैच करके भेज रहा है, टाइप फील्ड क्या अटैच करके भेज रहा है, 1, मतलब हेलो मैसेज आई आपका, सामने वाला राउटर इस टाइप फील्ड से आइडेंटिफाई करेगा किस टाइप का मैसेज आ रहा है। पैकेट लेंथ, इस हेलो मैसेज की लेंथ कितनी है, ठीक है, और राउटर आईडी क्या लग के जा रही है इसमें, राउटर आईडी। अब राउटर आईडी का क्या यूज है वो बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, मैंने आप लोगों को ना यहाँ पे कुछ बताया था, कहाँ गया वो, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस करी थी ना, ये हमने डिस्कस किया था कि हर एक राउटर क्या करता है, अपना एक LSA बनाता है ना, और जितने भी राउटर है सबके पास में क्या रहेंगे, एक दूसरे के LSA रहेंगे। R1 के पास में सभी राउटर के LSAs पड़े हैं, बट R1 कैसे आइडेंटिफाई करेगा कौन सा LSA किस राउटर का, कौन सा LSA किस राउटर का। तो होता क्या है, OSPF डोमेन में जितने भी राउटर हैं वो सभी राउटर अपनी एक राउटर आईडी इलेक्ट करते हैं, क्या इलेक्ट करते हैं, अपनी एक राउटर आईडी, एक यूनिक राउटर आईडी इलेक्ट करेंगे हर एक राउटर। जैसे R1 है, R1 अपनी एक राउटर आईडी रखेगा, लेट्स सपोज R1 की राउटर आईडी क्या है, 1.1.1.1 है, R2 की राउटर आईडी क्या है, 2.2.2 है, R3 की 3, R4 की 4.4.4.4, इनके राउटर आईडीज है, ठीक है। अब होगा क्या, ये राउटर जब अपना LSA शेयर करते हैं ना, उस LSA में अपनी राउटर आईडी भी क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। ये जितने भी राउटर्स हैं, राउटर्स अपने LSA के अंदर
अपनी राउटर आईडी भी लगा के देखते हैं कि मेरी राउटर आईडी है, मेरी राउटर आईडी है, मेरी राउटर आईडी है। तो अब ये राउटर R1 के पास में नंबर ऑफ इस डेटाबेस टेबल में नंबर ऑफ LSAs आ रहे हैं हर एक राउटर के। अब ये राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा इनमें से कौन सा LSA किस राउटर का है, तो किससे आइडेंटिफाई करेगा, राउटर आईडी से आइडेंटिफाई करेगा। हर एक राउटर की राउटर आईडी यहां पे क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, डिफरेंट रहेगी पूरे OSPF डोमेन में। समझ में आ रही है बात? और जो भी राउटर अपना LSA शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, उसमें वो अपनी राउटर आईडी भी सेट करके भेजते हैं ताकि ये राउटर उन LSAs को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा LSA किस राउटर का है। तो हर एक राउटर अपने आप को OSPF डोमेन में यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी एक राउटर आईडी इलेक्ट करता है ताकि वो उस पूरे OSPF डोमेन में, हाँ, उसका डेटाबेस क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा डेटाबेस किस राउटर का है। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज? तो अगर मैं बात करूं राउटर आईडी की, हर एक राउटर अपनी एक राउटर आईडी इलेक्ट करता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए OSPF डोमेन में, एंड दिस राउटर आईडी विल बी यूनिक आईडी एंड इट इज 32 बिट डेसिमल नंबर, एक 32 बिट का डेसिमल नंबर रहेगा और किस फॉर्मेट में रहेगी, फॉर्मेट विल बी IPv4 फॉर्मेट, IPv4 फॉर्मेट में रहेगी राउटर आईडी, ठीक है। ये नहीं रहेगा कि एक राउटर की राउटर आईडी 1 है या 2 है, किसी राउटर की राउटर आईडी 3 है, नहीं, लाइक 1.1.1.1 IPv4 फॉर्मेट में रहेगी, 32 बिट नंबर है आपका, 4 ऑक्टेट में रहेगा वो, क्लियर है। अब राउटर अपनी राउटर आईडी इलेक्ट कैसे करेगा वो बात कर लेते हैं। ये लिख लिया, हाउ टू इलेक्ट राउटर आईडी, राउटर कैसे अपनी राउटर आईडी इलेक्ट करेगा वो बात कर लेते हैं। देखो यार, दो मेथड है राउटर आईडी सेट करने के, एक तो है आप स्टैटिकली क्या कर सकते हो, राउटर आईडी दे सकते हो कोई भी राउटर को, जो भी राउटर को राउटर आईडी बताओगे वही उस राउटर की राउटर आईडी बन जाएगी। कैसे बताओगे, राउटर पे चलोगे आप और अभी तो ये राउटर अपनी राउटर आईडी क्या लगा के भेज रहा था, अपनी 12.1.1.1, अभी पता चल जाएगा 12.1.1.2 क्यों लगा के भेज रहा था। राउटर OSPF 100 में चलता हूं और मैं क्या बोल देता हूं, राउटर आईडी मैंने क्या बोल दिया यहां पे 1.1.1.1, ये मैंने राउटर आईडी कैसे कॉन्फिगर कर दी मैनुअली, पहले मैंने राउटर आईडी मैनुअली कॉन्फिगर करी थी क्या, नहीं, उसने ऑटोमेटिकली राउटर आईडी क्या कर ली थी, इलेक्ट कर ली थी ना। तो पहले अब देखना, अब ये हेलो मैसेज में अपना जो ये नेक्स्ट हेलो भेज रहा है, इस हेलो मैसेज में राउटर आईडी देखना क्या लग के जा रही है, 1.1.1.1। अगर आपने राउटर पे मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करी हुई है, स्टैटिकली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करी हुई है, तो राउटर उसी को अपनी राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा। कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, OSPF डोमेन में जाओगे और OSPF प्रोसेस में जाके आप क्या बोल दोगे, राउटर आईडी और जो भी आपने राउटर आईडी बतानी है, पहला मेथड तो ये। अगर आपने स्टैटिकली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं करी हुई, देन राउटर अपनी राउटर आईडी डायनामिकली इलेक्ट कर लेगा। अब डायनामिकली कैसे सिलेक्ट करेगा, कैसे पिक करेगा वो अपनी राउटर आईडी, अब दो क्राइटेरिया है यहां पे,
सबसे पहले देखेगा हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ लूपबैक इंटरफेस। अगर लूपबैक इंटर देखो, जैसे कोई एक राउटर है, इस राउटर पे राउटर आईडी अगर मैनुअली दे दी तो उसी को क्या कर लेगा, वो अपनी राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा। अगर मैनुअली नहीं दी मैंने तो इस राउटर पहले सपोज दो लूपबैक है, एक ये लूपबैक है जिसपे आईपी है 10.1.1.1, एक और लूपबैक है जिसपे आईपी है 20.1.1.1। तो इन दोनों लूपबैक में से कौन सा आईपी एड्रेस इसकी राउटर आईडी बन जाएगी, 20.1.1.1, जो आपका हाईएस्ट आईपी एड्रेस है इन दोनों लूपबैक में से। जिस लूपबैक का आईपी एड्रेस हाईएस्ट है वो आईपी एड्रेस क्या बन जाएगा, राउटर आईडी। अब देखो, अब इस राउटर पे लूपबैक ही कितने होते, एक ही होता, तो वही क्या बन जाता उसकी राउटर आईडी। लेट्स सपोज इस राउटर पे लूपबैक कोई है ही नहीं, अब नहीं है तो फिर वो क्या देखेगा, हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। लेट्स सपोज इस पे लूपबैक तो था नहीं, इस पे तो फिजिकल इंटरफेस थे, एक पे आईपी 12.1.1.1 है, एक पे आईपी 13.1.1.1 है, तो इनमें से क्या इसकी राउटर आईडी बनेगी, 13.1.1.1। पहले देखेगा अगर मैनुअल कॉन्फ़िगर्ड है तो उसको राउटर आईडी पिक कर लेगा, अगर मैनुअल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है देन वो क्या देखेगा, लूपबैक इंटरफेस का आईपी राउटर आईडी बन जाएगी। अगर लूपबैक मल्टीपल है तो हाईएस्ट वाला आईपी एड्रेस क्या बन जाएगा, राउटर आईडी बन जाएगी। अगर लूपबैक है ही नहीं देन फिजिकल इंटरफेस का आईपी एड्रेस, अगर फिजिकल इंटरफेस भी मल्टीपल है तो जिस फिजिकल इंटरफेस का आईपी एड्रेस हाईएस्ट है वो वाला आईपी क्या बन जाएगा, उसकी राउटर आईडी। तो देखो आर वन पहले राउटर आईडी क्या सेट करके भेज रहा था, आर वन जब हेलो मैसेज भेज रहा था राउटर आईडी क्या भेज रहा था, 12.1.1.1, क्यों, मैनुअली तो कॉन्फिगर करी नहीं थी, लूपबैक था नहीं, फिजिकल इंटरफेस एक ही था, उसी की आईपी क्या बन गई, उसकी राउटर आईडी। अब इस केस में मैंने मैनुअल दे दी तो मैनुअल को राउटर आईडी, तो पहले मैनुअल को कंसिडर करेगा वो, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह से राउटर अपनी राउटर आईडी इलेक्ट करता है अपने आप को ओएसपीएफ डोमेन में यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है ये चीज, राउटर आईडी का मतलब पता चल गया। नेक्स्ट हेलो मैसेज में और क्या चीज आ रही होगी, एरिया आईडी। अब एरिया आईडी की बात कर लेते हैं, एरिया आईडी क्या है, देखो मैं वापस से यहां पे चलता हूं। हम लोगों ने यहां पे ओएसपीएफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हर एक राउटर क्या कर रहा था, अपना एनएसए जनरेट कर रहा था, अपना एनएसए बना रहा था, और सभी राउटर अपने एक दूसरे के साथ में अपना एनएसएस क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, है ना। अब देखो होता यह है, यहां पे ओएसपीएफ में जितने भी राउटर होंगे हर एक राउटर क्या बनाएगा, अपना एक एनएसए बनाएगा, क्या बनाएगा, अपना एक एनएसए, और सभी राउटर एक दूसरे के साथ में अपना एनएसए क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, है ना। और हर एक राउटर के पास में एक दूसरे का एनएसए रहेगा। अब इस ओएसपीएफ डोमेन में राउटर कितने थे, चार, हर एक राउटर के डेटाबेस में एनएसए कितने थे, फोर, है ना। अब लेट्स सपोज इसी ओएसपीएफ डोमेन में नंबर ऑफ राउटर कितने हैं, 400, कितने हैं, 400 राउटर है। तो हर एक राउटर क्या करेगा, अपना एक एलएसए बनाएगा। हर एक राउटर के डेटाबेस में नंबर ऑफ एलएसएस कितने होंगे, 400 होंगे, कितना होंगे, 400 होंगे। और राउटर्स का, आप देखो राउटर्स का डेटाबेस का साइज कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना। हर एक राउटर के डेटाबेस में आपको 400 नंबर ऑफ एलएसएस देखने को मिलेंगे। अब इससे क्या होगा, अब जैसे R3 का जब लिंक डाउन हुआ था तो इसने अपने LSA में क्या किया था, चेंज किया था, और एक सीक्वेंस नंबर में क्या कर दिया था, इंक्रीमेंट करके वो इंफॉर्मेशन पूरे OSPF डोमेन में क्या कर दी थी, फ्लड। सभी राउटर के पास में एक हायर सीक्वेंस नंबर की इंफॉर्मेशन जा रही थी और सभी राउटर क्या कर रहे थे, अपनी SPF एल्गोरिथम का क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, रन कर रहे थे SPF एल्गोरिथम, है ना। अब नंबर ऑफ राउटर कितने थे, यहां पे 4 थे। अब नंबर ऑफ राउटर कितने हैं, 400 है। इस राउटर का कोई लिंक डाउन हुआ, ये इंफॉर्मेशन पूरे OSPF डोमेन में फ्लड होगी, सभी राउटर क्या करेंगे, अपने SPF एल्गोरिथम रन करेंगे। अब हुआ क्या, एक और कोई राउटर था जिस पे लिंक क्या हो गया, कोई अप आया नया लिंक,
तो वो भी इन्फॉर्मेशन पूरे OSPF डोमेन में क्या होगी, फ्लड। सभी राउटर क्या रन करेंगे, SPF एल्गोरिथम। अब कोई राउटर पे लिंक अप आ रहा है, नंबर ऑफ राउटर कितने 400 है, कोई ना कोई राउटर पे कोई ना कोई लिंक अप या डाउन जा ही रहा होगा, तो हर एक राउटर का डेटाबेस क्या हो रहा होगा, चेंज, और फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे होंगे डेटाबेस के अंदर। समझ में आ रही हो बात ना? अरे कोई भी राउटर है, 400 नंबर ऑफ राउटर है, वहां पे कोई भी राउटर के डेटाबेस में कुछ भी चेंज हो रहा है, तो हर एक राउटर के पास में वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, मतलब सभी राउटर का डेटाबेस क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। डेटाबेस में चेंज हो रहा है तो राउटर्स क्या करेंगे, अपनी SPF एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेंगे। तो राउटर्स का जो डेटाबेस है वो फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, और राउटर्स फ्रीक्वेंटली क्या कर रहे होंगे, अपनी SPF एल्गोरिथम रन कर रहे होंगे बार बार। और राउटर्स जब भी अपनी SPF एल्गोरिथम रन करते हैं, राउटर्स का मेन CPU यूटिलाइज हो रहा होगा। राउटर्स जब भी अपनी SPF एल्गोरिथम रन करेंगे, SPF एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेंगे, राउटर्स का मेन CPU यूटिलाइज हो रहा होता है। तो आप देखो नंबर ऑफ राउटर कितने आ गए यहां पे, 400 नंबर ऑफ राउटर है, तो राउटर्स का CPU यूटिलाइजेशन देखो हो सकता है ना 100% भी चला जाए। प्रॉब्लम है कि नहीं है यहां पे, OSPF में है ना? और जब CPU यूटिलाइजेशन अगर 100% पहुंच गया तो राउटर हैंग होना, स्टार्ट हो जाएगा। राउटर राउटिंग परफॉर्म करना क्या कर देगा, बंद। पैकेट ड्रॉप होने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। प्रॉब्लम है कि नहीं आई है ना? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए OSPF को क्या कर दिया, कुछ एरियाज में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, कुछ एरियाज में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज नंबर ऑफ राउटर कितने थे, 400 थे, ये अलग अलग एरियाज बना लिए, ये एरिया अलग बना लिया, इसमें नंबर ऑफ कुछ राउटर रख लिए, ये एक एरिया बना लिया, इसमें भी कुछ नंबर ऑफ राउटर रख लिए। इसी तरह से मल्टीपल और भी आपके पास में एरियाज है, हर एरिया में मैंने नंबर ऑफ राउटर कितने रख लिए, 40 राउटर्स रख लिए। टोटल नंबर ऑफ एरिया कितने हो जाएंगे, 400 राउटर है तो 10 एरियाज हो जाएंगे, और हर एक एरिया में मैंने कितने राउटर रखे हुए, 40। अब होगा क्या, ये राउटर भी आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्टेड। एक बीच में लाइक एक और राउटर यूज कर लिया, ये इससे कनेक्टेड होगा। तो ये एक मेरे पास में एरिया जीरो है, और ये एरिया कौन सा है, लेट्स सपोज अभी फिलहाल दो एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, दो एरियाज में मैंने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो ये जो राउटर है ना, ये दोनों एरियाज में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका ये जो इंटरफेस है एरिया जीरो में है, और ये जो इंटरफेस है वो कौन से एरिया में, एरिया वन में है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पे हर एक राउटर अपना LSA क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब एक बात बताओ, इस एरिया में नंबर ऑफ LSA कितने जनरेट होंगे, 40 राउटर है तो 40 जनरेट होंगे। अब चलो अभी यहां पे अभी कितने, 5 राउटर है इस केस में, तो कितने, 5 LSA जनरेट होंगे। ये भी जनरेट करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, और ये वाला राउटर भी, और यहां पे ये सभी राउटर भी क्या करेंगे, अपना LSA जनरेट करेंगे, ये सभी राउटर, ये भी जनरेट करेगा। ये जो राउटर है ना, सेंट्रलाइज्ड राउटर जो है हमारा, ये दोनों एरियाज के लिए अपना LSA जनरेट करेगा, इस एरिया के लिए भी और इस एरिया के लिए भी। बात आ रही है समझ में? अब देखो इनके जो LSA है ना, अरे पीछे इनके जो LSA है ना, इस एरिया के जो LSA है वो अपना एरिया क्रॉस नहीं करेंगे, इनके LSA दूसरे एरिया में नहीं जाएंगे, और इन राउटर्स के LSA इस एरिया में नहीं आएंगे। तो अब बात बताओ, इन राउटर्स के पास में नंबर ऑफ LSA कितने होंगे, सिर्फ 5। इन राउटर्स के पास में नंबर ऑफ LSA कितने होंगे, सिर्फ 5। अगर यहां पे एरिया नहीं होते तो नंबर ऑफ LSA कितने होते हर एक राउटर के पास में, इस केस में 9 होते है ना। बट अब डेटाबेस टेबल का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डेटाबेस टेबल का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और अब इस राउटर का कोई लिंक डाउन जा रहा है तो ये इंफॉर्मेशन कहां पे फ्लड होगी, विद इन इसी एरिया में। SPF एल्गोरिदम कौन एग्जीक्यूट करेगा, इसी एरिया के राउटर्स क्या करेंगे, अपनी SPF एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेंगे। क्या ये राउटर्स अपनी SPF एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं, ऑब्वियस ही बात है, इनका LSA जो है वो इस एरिया में आ ही नहीं रहे, इनके डेटाबेस में कुछ चेंज हो ही नहीं रहे। समझ में आ रही है बात? और यहां पे कोई चेंज आया, इस राउटर का लिंक कोई डाउन हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन इसी एरिया में क्या होगी, फ्लड होगी। सेम इंफॉर्मेशन इस एरिया में तो आएगी नहीं, तो SPF एल्गोरिथम कौन एग्जीक्यूट करेंगे, विद इन
एरियाज के राउटर ही क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अगर लिंक डाउन जा रहा है ना, तो इस एरिया में जितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं वो ही क्या करेंगे, अपनी एसपीएफ एल्गोरिथम रन कर लेंगे, बाकी एरियाज के राउटर अपनी एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे डेटाबेस का साइज भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और जो एसपीएफ एल्गोरिथम है वो भी राउटर्स बार बार एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अब ये एरिया जीरो के राउटर्स एरिया वन के साथ में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या एरिया वन के राउटर एरिया जीरो के साथ में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। वो क्या रहा है, इनके एलएसए एरिया वन में नहीं आ रहे हैं, और एरिया वन के एलएसए एरिया जीरो में नहीं आ रहे हैं। तो फिर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, कैसे कम्युनिकेशन होगा उनके बीच में। तो होगा क्या, ये जो सेंट्रलाइज राउटर है ना हमारा, जो किस में है, एरिया जीरो में भी है और एरिया वन में भी है, इसके पास में इस एरिया के सारे एलएसए आ रहे होंगे, ये उन पे सब पे क्या करेगा, इस पूरे डेटाबेस पे, इसके पास में ना दोनों एरियाज का डेटाबेस होगा, दोनों एरियाज के एलएसए होंगे, क्योंकि इस एरिया में भी है, इसके पास में इस एरिया के भी क्या आ रहे होंगे, एलएसए आ रहे होंगे। तो ये क्या करेगा, इस एरिया का भी एलएसए आ रहे हैं, इस एरिया के भी एलएसए आ रहे हैं, वो दोनों एरियाज के लिए अलग अलग डेटाबेस मेंटेन करेगा, दो एरियाज का डेटाबेस मेंटेन कर रहा होगा ये, और दोनों एरियाज के डेटाबेस पे एसपीएफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेगा, करेगा एसपीएफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूट। तो लेट्स सपोज यहां पे एक 10 का प्रीफिक्स था, इसके पास में आ गया वो 10 का प्रीफिक्स किस फॉर्म में, एलएसए के फॉर्म में, और ये उसके ऊपर क्या करेगा, एसपीएफ एल्गोरिदम रन करेगा, तो उसको वहां पे 10 के नेटवर्क तक जाने का के लिए पाथ मिल जाएगा, और ये अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। बट इसका ये जो LSA है वो इस एरिया में तो आएगा नहीं, फिर इन राउटर्स को उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। अब ये जो सेंट्रलाइज राउटर है ना, ये क्या करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में जितने भी प्रीफिक्सेस पड़े हैं किस एरिया के, एरिया जीरो के, वो प्रीफिक्सेस कहां पे भेज देगा, एरिया वन में, जो राउटिंग टेबल में है। LSA नहीं भेज रहा, क्या भेज रहा है, जो राउटिंग टेबल में प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन पड़ी है वो शेयर कर रहा है किस एरिया में, दूसरे एरिया में, एरिया वन में। और इस राउटर के पास में LSA वन के भी, सॉरी एरिया वन के भी सारे एलएसए आ रहे होंगे, इस पे भी एसपीएफ एल्गोरिथम रन करेगा, ये अपनी राउटिंग टेबल में सारे प्रीफिक्सेस इंस्टॉल कर लेगा, और इसकी राउटिंग टेबल में जो भी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस पड़े हैं किस एरिया के, एरिया वन के, वो राउटिंग टेबल के सारे प्रीफिक्स किस एरिया में भेज देगा, एरिया वन में, जीरो, सॉरी एरिया जीरो में। तो ये दोनों एरियाज के पास में एक दूसरे की प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी, और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो राउटर्स है एरिया वन के राउटर्स, एरिया वन के राउटर्स एरिया जीरो की जो टोपोलॉजी है वो डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इन राउटर्स के पास में एरिया जीरो के एलएसए नहीं आ रहे हैं, लिंक्स की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो बिटवीन एरिया ओएसपीएफ एज ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह काम कर रहा है, इन राउटर्स को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा राउटर कैसे एक दूसरे से अटैच है। इसके पास में सिर्फ क्या आ रही है, इसकी राउटिंग टेबल में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है सेंट्रलाइज राउटर की, वो बस राउटिंग टेबल के प्रीफिक्स ही आगे क्या कर रहा है, दूसरे एरिया में शेयर कर रहा है, ना कि पूरे एलएसए। जब पूरे एलएसए आ जाते तो पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर लेता, एलएसए में सारे लिंक्स की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, बट ऐसा नहीं है यहां पर, आ रही है बात समझ में। और ये राउटर क्या कर रहा है, अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन ही आगे क्या कर रहा है, दूसरे एरिया में शेयर कर रहा है। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी तो राउटिंग की इंफॉर्मेशन ही, राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, आगे बात समझ में। तो ये अपने एलएसए नहीं भेजेंगे एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो इनका डेटाबेस का साइज भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इनका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, बार बार राउटर्स अपनी एसपीएफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्लियर है ये चीज, आगे बात समझ में। हटा दूं इसको, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एनालिसिस के बारे में, ये राउटर है, इस राउटर को क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ राउटर वगैरह बात करने वाले हम लोग इनके बारे में। एक छोटा सा आइडिया हो गया, हम लोग ओएसपीएफ को एरियाज में क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं, डेटाबेस साइज को रिड्यूस करने के लिए, और एसपीएफ एल्गोरिदम जो एग्जीक्यूट हो रही है बार बार, उसको बार बार एग्जीक्यूट ना करे वो, उसके लिए एक एरिया में सिस्को रिकमेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ राउटर रखो, 30, और मैक्सिमम कितने रख लो, 50 राउटर एक सिंगल एरिया में, 30 रखोगे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, आप मैक्सिमम कितने रख सकते हो, 50, क्लियर।
तो हम लोग कहां पे थे, हाँ यहाँ पे। राउटर आईडी का मतलब पता चल गया, तो इन दोनों राउटर को हमने किस एरिया में रखना है, ये इंटरफेस हमारा किस एरिया में, एरिया जीरो में, तो मैंने एरिया जीरो में बोला था। इसको भी मैं किस में बोल दिया मैंने, जैसे एरिया जीरो में बोल दिया मैंने, तो ये दोनों राउटर किस में आ जाएंगे, यहाँ पे भी इसका कोई इंटरफेस है, यहाँ पे भी इसका कोई इंटरफेस है, उनको भी किस में डाल दिया, एरिया जीरो में। तो ये दोनों राउटर किस में आ जाएंगे, एरिया जीरो में। बात आगे समझ में, तो एरिया आईडी समझ में आ गया होगा, एरिया आईडी हम लोग क्यों यूज करते हैं, और एरिया आईडी मैंने दी किस फॉर्मेट में थी, डेसिमल फॉर्मेट में, याद है, इंटरफेस सॉरी राउटर ओएसपीएफ 100 में गए थे, मैंने नेटवर्क कमांड चलाई थी 12.1.1.1000, एरिया आईडी मैंने क्या बताई थी, जीरो। एरिया आईडी आप जीरो डेसिमल फॉर्मेट में भी बता सकते हैं और आप IPv4 फॉर्मेट में भी बता सकते हैं, देख लो, डेसिमल नंबर दे दो चाहे आप IPv4 फॉर्मेट में बता दो। अगर IPv4 फॉर्मेट में अगर मैंने एरिया जीरो रखना होता तो मैं कैसे रखता, अगर डेसिमल फॉर्मेट में मैंने अगर एरिया नंबर, मैंने एक कोई एरिया नंबर बनाया एरिया 256, तो कैसे रखोगे एरिया 256, कैसे रखोगे एरिया 256, ऐसे रख दोगे डेसिमल में तो। लेकिन अगर मैंने IPv4 फॉर्मेट में रखना है तो ऐसे रखोगे ना, देखो 0.255 हो गया, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 256, मैं यहां पे तो रख नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा 1.0 ये रख लोगे। बात आ रही है समझ में, तो आप IPV फॉर्मेट में रख सकते हो, डेसिमल फॉर्मेट में रख सकते हो, बट हाँ जब भी हेलो मैसेज के अंदर जो आपके एरिया आईडी जो लग के जाएगी वो IPv4 फॉर्मेट में ही जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इंटरफेस सीरियल 1/0 और मैंने यहाँ पे OSPF चलाया था, उसको हटा देता हूँ मैं, पहले मैं राउटर OSPF 100 नेटवर्क 12.1.1.1000 एंड एरिया आईडीज 0.0.1.0 सेट कर देता हूँ, या मैं 256 सेट कर देता हूँ, IPv4 फॉर्मेट में जाएगी कैसे 0.0.1.0। नेक्स्ट हेलो जाने दो, ये गया, ये रहा, आगे बात समझ में। तो मैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो आपको V4 फॉर्मेट में ही शेयर होगी, जैसे ये पहले जीरो एरिया दिया था तो 0.0.0.0 एंड जीरो एरिया इज बैकबोन एरिया, तो बात करेंगे इसके बारे में। साथ में इसमें जारी होती है पैकेट चेकसम वैल्यू, चेकसम वैल्यू का क्या यूज है, चेकसम वैल्यू का वही यूज है जो आईपी हेडर में होता है, टीसीपी हेडर में, आईपी हेडर में, एरर डिटेक्शन के लिए ना। साथ में ऑथेंटिकेशन टाइप लग के जारी होगी, EIGRP में ऑथेंटिकेशन क्या थी, ऑप्शनल, हेलो मैसेज में जानी रही होती थी जब तक आप ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं करते थे, तो यहां पे ऑथेंटिकेशन टाइप जाएगा, ऑथेंटिकेशन टाइप कौन सी है, और ऑथेंटिकेशन डेटा में ऑथेंटिकेशन पासवर्ड जाएगा। बात करेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में भी जब हम लोग ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, तो हेलो मैसेज में जारी होगी ये इंफॉर्मेशन हमेशा जाएगी। और सबनेट मास्क, जिस लिंक से हेलो मैसेज आ रहा है उस लिंक का सबनेट मास्क भी सेट होके जाएगा हेलो मैसेज में। और हेलो टाइमर, हेलो टाइमर भी सेट होके जाएगा, इवन डेड टाइमर भी जा रहा होगा। और हेलो टाइमर, डेड टाइमर, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के बारे में बात करेंगे आने वाले टाइम में, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी फील्ड लग के जाएगी, अभी के लिए इग्नोर करना है इसको हमने, बस बात करेंगे इसके बारे में भी। ये देखो डेड टाइमर जा रहा है। DR राउटर आईडी, BDR राउटर आईडी के बारे में भी बात करेंगे, ये भी इंफॉर्मेशन जारी होती है। DR इसको भी अभी के लिए इग्नोर करो, DR राउटर आईडी एंड BDR राउटर आईडी।
एक और चीज लिखवाना भूल गया, नेबर राउटर आईडी भी लिख लेना, नेबर राउटर आईडी भी लग के जाती है हेलो मैसेज के अंदर। अभी दिखा नहीं रहे, वो भी दिखाएगा। खुद की राउटर आईडी तो लग के जाएगी जाएगी, नेबर राउटर आईडी भी होती है हेलो मैसेज में। ये सारी इंफॉर्मेशन जा रही होती है, ये सारे कंटेंट जा रहे होते हैं एक हेलो मैसेज में, ठीक है। अब बात करते हैं दो राउटर एक दूसरे के नेबर, दोनों राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज शेयर करेंगे, उन हेलो मैसेज के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होगी। बट दो राउटर एक दूसरे के नेबर कब बनेंगे, इनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैच होगी तो नेबर बनेंगे, वो बात कर लेते हैं। तो नेबरशिप पैरामीटर्स, नेबरशिप पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर्स है नेबरशिप के, देखो सबसे पहले राउटर आईडी मस्ट नॉट मैच। दो राउटर्स के बीच में राउटर आईडी कभी भी मैच नहीं होनी चाहिए। अगर राउटर आईडी मैच होगी तो दोनों नेबर नहीं बनेंगे, तो राउटर आईडी मैच नहीं होनी चाहिए। अगर मैच होगी तो प्रॉब्लम है, नेबरशिप नहीं आ पाएगी। तो राउटर आईडी मैच होनी नहीं चाहिए। एरिया आईडी मस्ट मैच, दो राउटर्स के बीच में एरिया आईडी क्या होनी चाहिए, मैच। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो राउटर थे हमारे, जब इस इंटरफेस को और इस इंटरफेस को मैं ओएसपी में एडवर्टाइज करवा रहा हूं, मैंने इन दोनों को किस एरिया में रख लिया, एरिया जीरो में। इन दोनों के बीच में नेबरशिप अब आ जाएगी। अब यहां पे एक और राउटर अटैच्ड है और इस इंटरफेस को मैंने एरिया वन में रखा, कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच में नेबरशिप अब आ जाएगी। ये दोनों इंटरफेसेस किस में होने चाहिए, सेम एरिया में। और इन दोनों को मैं एरिया वन में रख लेता हूं तो इन दोनों के बीच में नेबरशिप अब आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको मैंने रख लिया एरिया वन में, इसको मैंने रख लिया लेट्स सपोज एरिया जीरो में, तो इस लिंक से जो हेलो मैसेज आएगा एरिया आईडी क्या लग के जाएगी वन, इससे जाएगा एरिया आईडी क्या लग के जाएगी जीरो, मिसमैच हो जाएगा, नेबरशिप अपनी आएगी। तो दोनों की एरिया आईडी क्या होनी चाहिए, सेगमेंट पे मैच होनी चाहिए, तभी दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप आ पाएगी। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन टाइप एंड ऑथेंटिकेशन डेटा मस्ट मैच, ऑथेंटिकेशन टाइप एंड ऑथेंटिकेशन डेटा मस्ट मैच, और सबनेट मास्क मस्ट मैच। सबनेट मास्क मैच होना चाहिए और हेलो एंड डेड टाइमर, हेलो एंड डेड टाइमर मस्ट मैच। एआईजीआरपी में ऐसा कुछ नहीं था बट यहां पे मैच होना चाहिए, नहीं तो नेबरशिप अपनी आएगी। और एमटीयू साइज मस्ट मैच। राउटर्स के इंटरफेसेस के ऊपर एमटीयू साइज क्या होता है बाय डिफॉल्ट 1500 बाइट, वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो नेबरशिप अपनी आएगी, एमटीयू साइज मैच होनी चाहिए। स्टब फ्लैग मस्ट मैच। स्टब फ्लैग क्या है, इसको अभी के लिए इग्नोर करो, आने वाले टाइम में ये भी पता चल जाएगा। स्टब फ्लैग मैच होनी चाहिए तभी राउटर नेबर, तभी दो राउटर्स के बीच में नेबरशिप अप आएगी, अदरवाइज नेबरशिप अपनी आएगी। OSPF नेटवर्क टाइप मस्ट मैच, तो ये भी आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। इन दोनों को अभी के लिए हमें इग्नोर करना है। हाँ, स्टब फ्लैग मैच होने चाहिए, OSPF नेटवर्क टाइप क्या होनी चाहिए, मैच होने चाहिए, तभी दो राउटर क्या बनेंगे एक दूसरे के नेबर बनेंगे, अदरवाइज नेबर नहीं बनेंगे। इसको मस्ट मैच मत लिखो, इसको शुड मैच लिखो, कई बार दिक्कत आती है कई बार दिक्कत नहीं आती। नेबरशिप दिखा देगा या फिर डेटाबेस एक्सचेंज नहीं करेगा, बात करेंगे इसके बारे में। तो ये ओएसपीएफ के नेबरशिप पैरामीटर्स हैं।
ये सारी चीजें मैच होगी तो राउटर्स के बीच में नेबरशिप अप आएगी, अदरवाइज नेबरशिप अप नहीं आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं R2 के ऊपर भी OSPF इनेबल कर देता हूँ, राउटर OSPF 100, राउटर IDs मैंने 2.2.2 दे दी इस पे, और नेटवर्क 12.1.1.2.0.0.0.0.0 एंड एरिया इज 256, उधर भी मैंने 256 यूज कर लिया था, चेंज कर दिया था आपको याद हो तो। इन दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप आप आ जाएगी, ये हेलो मैसेज एक्सचेंज होंगे, नेबरशिप आप आ जाएगी। नेबरशिप आप आ चुकी है, दिखा देता हूं, पहले R1 पे चलते हैं, स्वाइपी OSPF नेबर, इसका एक नेबर बना हुआ है, उसकी राउटर आईडी क्या है, 2.2.2 है वो जो नेबर बना हुआ मेरा। प्रायोरिटी को भी इग्नोर करो, स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, स्टेट यहां पे फुल दिखा रहे हैं, मींस कोई दिक्कत नहीं है, नेबरशिप आपकी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेड टाइमर, नेबरशिप कब डाउन होगी, ये टाइम जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा होगा 35, 34, 33, 32, 31, कितने में नेक्स्ट हेलो आ जाएगा, देखना वापस से टाइमर कितना सेट हो गया 40 सेकंड। और जो नेबर मेरा, जो राउटर मेरा नेबर बना हुआ है 2.2.2, उसके उस इंटरफेस का आईपी क्या है, जो इंटरफेस मेरे से कनेक्टेड है 12.1.1.2, और सामने वाला जो नेबर है मेरा R2, वो उसका इंटरफेस कौन सा है, सीरियल 1/0, क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से एक अपनी नेबरशिप नेबर टेबल क्या करेगा, मेंटेन करेगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। ओके, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक और काम करता हूं, मैं इस पे एक लूप बैक और बना लेता हूं। आर वन पे मैंने एक लूप बैक बना लिया, आईपी दे दिया 10.1.1.1.255.255.255.255, और इस लूप बैक को OSPF में एडवर्टाइज करवा दूं, कैसे, आईपी OSPF, प्रोसेस आईडी, एरिया इज 256 दे दिया मैंने यहां पर भी। तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर अपना एक LSA1 बनाएगा, इसका डेटाबेस टेबल दिखाऊं, आईपी OSPF डेटाबेस, इस राउटर के पास में डेटाबेस टेबल में दो राउटर्स के LSAs हैं, एक तो 1.1.1 के और एक 2.2.2 का, ठीक है, अरे दो LSAs है ना इस पे, तो सेम LSA किसके पास में होंगे, R2 के पास में, इसकी भी डेटाबेस टेबल दिखा देता हूं, 1.1.1 का एंड 2.2.2 का, और ना इसके पास में R1 का एक LSA1 आया है विद सीक्वेंस नंबर, ये 0x से स्टार्ट होता है और 0x8, ये 6 टाइम 0 देन 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह से शेयर होते हैं, तो किस सीक्वेंस नंबर से शेयर किया हुआ है। अभी मैं इसको डिटेल से ओपन नहीं करूंगा, इस LSA में इसके सारे लिंक्स होंगे, सभी लिंक्स की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, मैं बात करूंगा LSA के बारे में, LSA हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग इसको डिटेल से ओपन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो इसको मैं एक और चीज दिखा देता हूं, आईपी OSPF, इस राउटर ने SPF एल्गोरिदम कितनी टाइम एग्जीक्यूट करी है, 3 टाइम। R1 ने देखिए SPF एल्गोरिदम कितने टाइम एग्जीक्यूट करी है, आईपी OSPF 4 टाइम, R1 ने 4 टाइम, R2 ने 3 टाइम, पर R1 के पास में एक चीज और दिखा देता हूं, आईपी OSPF डेटाबेस, इसने जो अपना LSA1 जो इसने अपना LSA शेयर किया था वो किस सीक्वेंस नंबर से शेयर किया हुआ है, 3 से, इसके पास में भी किस सीक्वेंस नंबर से पड़ा होगा, 3 से। अब मैं क्या करता हूं, R1 पे R2 पे, अब ये LSA1 आ रहा है इसमें वो दोनों लिंक आ रहे होंगे, 12 वाला भी और 10.1.1.1/32 वाला भी, तो इस पे जब SPF एल्गोरिदम रन करेगा इस डेटाबेस टेबल पे, तो ये उसको वहां पे एक 10 का प्रीफिक्स मिलेगा, और 10 के प्रीफिक्स तक जाने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, इस लिंक की कॉस्ट कितनी है 64, लूप बैक की कॉस्ट कितनी है 1, प्लस करके अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लिया उसने, इंस्टॉल कर लिया। अब एक चीज का एक काम करता हूं मैं R1 पे गया, इसने SPF एल्गोरिदम कितने टाइम एग्जीक्यूट करी हुई है, इसने SPF एल्गोरिदम कितने टाइम एग्जीक्यूट करी हुई है, 3 टाइम, और इसने अपना LSA1 किस सीक्वेंस नंबर से दिया हुआ है, R1 ने 3 से, है ना। मैं इंटरफेस लूपबैक 1 को शटडाउन करता हूं, जैसे ही लिंक डाउन होगा, लिंक डाउन होते ही ये क्या करेगा, इस लूपबैक को
अपने LS1 से हटा देगा और अपने LS से हटा देगा और LSA में क्या कर देगा, सीक्वेंस नंबर में इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। और जैसे ही अब इसके डेटाबेस में क्या हुआ, चेंज, तो जैसे इसके डेटाबेस में चेंज हुआ तो ये राउटर अपनी SPF एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेगा, कितने टाइम एग्जीक्यूट हो गई 5, और ये अपना ये LSA नेक्स्ट नेबर को क्या करेगा, शेयर SWIP OSPF डेटाबेस इसके पास में आ गया किस सीक्वेंस नंबर से, 4 से, तो ये अपने पास अपने डेटाबेस पे SPF एल्गोरिदम रन करेगा, तो कितने टाइम एग्जीक्यूट हो गई 4, पहले कितनी थी 3 4, अब यहां पे इस बार जब SPF एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेगा डेटाबेस टेबल में वो लिंक मिलेगा 10 वाला, नहीं नहीं मिलेगा तो अपनी राउटिंग टेबल से प्रीफिक्स क्या कर दिया इसने, हटा दिया। अब मैं फिर से चलता हूं R1 पे, इंटरफेस लूपबैक 1, मैं जैसे इसको नो शटडाउन करता हूं ये लिंक जैसे ही आप पाएगा ये राउटर अपने इस LSA के अंदर इस लिंक को वापस से क्या करेगा, ऐड करेगा, तो इसके डेटाबेस में क्या होगा, चेंज SWIP OSPF SPF एल्गोरिदम क्या करी इसने, एग्जीक्यूट कर ली, कितना टाइम एग्जीक्यूट हो गए 6 टाइम, और SWIP OSPF डेटाबेस इसने सेम LSA पहले 4 से शेयर किया और अब किससे शेयर कर रहा है, सीक्वेंस, जैसे LSA में चेंज आया सीक्वेंस नंबर में क्या कर दिया, इंक्रीमेंट 5 से इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, पहले किससे पड़ी थी 4 से, SWIP OSPF डेटाबेस कितने से आ गई 5 से, मतलब डेटाबेस में क्या हुआ अपडेट, डेटाबेस में अपडेट होती है SWIP OSPF, SPF एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेगा, 4 टाइम एग्जीक्यूट कर रखी थी, कितने टाइम एग्जीक्यूट हो गई 5 टाइम, और जैसे इस बार एग्जीक्यूट करेगा इसको इस डेटाबेस में एक 10 का प्रीफिक्स मिलेगा और वहां तक जाने के लिए पोस्ट कैलकुलेट करके अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लिया इंस्टॉल, और ये लो 10.1.1.1 को आप क्या कर पा रहे हो पहुंचने के लिए। आगे बात समझ में, ऐसे ही तो कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था।